भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जीन शरण मीडिया को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। किसी बूढ़े आदमी को देखकर हंसना मत, बल्कि यह सोचना कि यह दुर्घटना एक दिन मेरे साथ भी होगी। उसके लड़खड़ाते पैरों को देखकर मजाक मत बनाना, बल्कि हो सके तो उन पैरों से शिक्षा लेना कि बूढ़े के लड़खड़ाते हुए पैर कह रहे हैं कि जो भी करना है, तीर्थ यात्रा करना है, आज ही कर लो, कल पैर साथ ना देंगे। बूढ़े के कांपते हुए हाथ कहते हैं जो भी दान पुण्य करना है, प्रभु का अभिषेक करना है, वह आज ही कर लो, कल ये हाथ हमारा साथ ना देंगे। बूढ़े की धुंधलाई हुई आंखें कहती हैं जो भी सत्य देखना है, परमात्मा को देखना, वह आज ही देख लो, कल इनमें देखने वाली रोशनी ना रहेगी। बूढ़े की लड़खड़ाती हुई जीभ कहती है हरि भजन करना है, प्रभु भजन करना है, आज ही कर लो, कल ये जीभ हमारा साथ ना देगी। बुढ़ापा सभी को आना है, ये बहुत मजबूत मेहमान है, बिन बुलाए आता है और एक बार आ जाए तो फिर कभी जाता नहीं है, वह हमें लेकर ही जाता है। जवानी बहुत कमजोर है, कब आती है पता ही नहीं चलता, कब चली जाती है पता ही नहीं चलता, पर सच मानो तो जवानी बुढ़ापे का संकेत है। और बुजुर्गों से भी कहूँगा कि बुढ़ापा तो आ गया है, वह जाने वाला नहीं है। अब सोचना तुम्हें है कि इस बुढ़ापे को भुनभुनाते हुए जीना है या गुनगुनाते हुए जीना है।